बट अब तुम्हारे भाई ने अगर इसमें हाथ रखी दिया है तो करते हैं। चलो फटाफट से गेम के अंदर जाके बताता हूं आज हम लोग क्या करने वाले। जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, 100 के लाइक का गोल है, फटाफट कंप्लीट करा दो। और जो भी ना प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, 5 मिलियन बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके थे, प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। चलो चलते हैं फटाफट से फ्लीट किंगडम के अंदर। गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस एपिसोड, मैं सबसे पहले जितने भी फ्लीट आर्मी के मेंबर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबसे एक छोटा सा सॉरी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने चैलेंज लिया था 100 डेज 100 वीडियोस का, जो कि 30 डेज 30 वीडियोस के बाद लिया था, और हम लोग यार उसमें फेल हो गए थोड़ा सा। कहने का मतलब कि हम लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, वेरी सैड है, क्योंकि रीज़न ऐसा नहीं है कि मैं बनाने नहीं चाहता था, मैं करना नहीं चाहता था काम, भाई यार मेरी तबीयत ख़राब हो ही गई यार। मैं 77 डेज 77 वीडियोस डाली और खाली 23 वीडियोस बची थी, तभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए तुम्हें 2 दिन से वीडियो नहीं मिली, ना नॉट गेमर फ्लिट पे, ना अंशुबिस्ट पे, और स्ट्रीम भी नहीं हुई गेमर फ्लिट पे। यही रीज़न था, क्योंकि मेरी तबीयत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैंने यार अभी भी मेरी तबीयत सही बता तो पूरी ऐसे कन्फर्म ऐसे 100% सही नहीं है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, बट फिर भी मतलब अभी मेरे को हालत में हूँ कि हाँ मैं वीडियो बना सकता हूँ, इसलिए मैं अभी बना रहा हूँ रात को बैठ के। बट यस यार मैं आई एम रियली सॉरी यार, हम लोग ये चैलेंज दोबारा लेंगे और इसको गारंटीड कंप्लीट करेंगे, तुम बस देखते जाओ। बट अभी के लिए तो यार सैड है थोड़ा सा, बट ठीक है, कोई नहीं यार, अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं यार, ऐसे थोड़ी ना कि हम लोग ऐसा सैड हो जाएंगे, राइट। और ये देखो यार, ये क्या मस्त लग रहा है ब्रो, ये कसम से मैंने इसमें थोड़ी बहुत और चेंजेस करे, जैसे तुम लोग आंखों में देख सकते हो, आंखों में थोड़ा बहुत और चेंज करा, थोड़े बाल और ज्यादा बड़े कराए, लेकिन जो काम आज हम लोग करने आए वो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, और वो मतलब हार्ड भी एक चीज की वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से, जो कि है नेदरराइट। बिल्कुल सही, अगर तुम लोग समझ रहे हो कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और मैं क्या बोलने वाला हूँ कि ये चीज़ हार्ड क्यों होने वाली है, तो तुम आई गेस समझ रहे हो कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। हम लोग बनाने वाले हैं आज फुल्ली नेदरराइट का बीकन। कहने का मतलब है इसको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का नेदरराइट कर देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है सही बताऊँ तो, क्योंकि सीधी सी बात है नेदरराइट इतना ईजिली मिलता नहीं है। फिर किस्मत वाली बात यह है कि नेदरराइट ब्लॉक चाहिए होगा, एक नेदरराइट ब्लॉक बनता है 9 नेदरराइट इंगिट से, जैसे कि सारे के सारे ब्लॉक्स बनते हैं, जैसे डायमंड का भी बनता ही है ना। लेकिन अब दिक्कत कहां पर है, नेदरराइट इंगिट भी बनता है 4 इंशियंट डेब्रिस, या फिर बोल लो कि 4 नेदरराइट स्क्रैप से। तो अब यार सैड चीज वही कि हम लोग को हर एक के लिए 4 चाहिए होगा और हर एक ब्लॉक के लिए 9 चाहिए होगा, तो हम लोगों को 9 4 36 के आसपास हम लोगों को चाहिए होगा हर एक ब्लॉक के लिए 36 नेदरराइट। 24 में पूरा का पूरा आर्मर बना देते हैं हम लोग, 24 में आर्मर और स्वॉर्ड और एक्स, भाई साहब इतना काम हो जाता है। बट हम लोग ने आज भाई ले रखा है चैलेंज तो लेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है मेरे को चाहिए यार कुछ ऐसा तगड़ा हो दिखने का। जैसे ये देख रहे हो, ये अपना बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है, ठीक है, अपना जो स्टैचू है बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। बट सोचो इन स्टैचू के दोनों साइड पे, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि एक यहाँ पे बनाऊँ और एक इसके जस्ट अपोजिट साइड यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है, इन इसके स्टैचू के दोनों साइड से सोचो ऐसे जैसा अभी निकल रहा है ये, ठीक है, जैसे ये अभी निकल रहा है ना ऐसे, अगर ये दोनों साइड से निकल रहा हो कितना कूल लगेगा भाई, कितना ज़्यादा कूल लगेगा, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मस्त लगने वाला है। बट हम लोगों को बहुत सारा काम करना पड़ेगा, सो लेट्स गेट रेडी, लेट्स गेट टू वर्क गाइस। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, देखो मेरा मन तो है कि हम लोग एक ऐसी मशीन बनाए ना जिससे कि हम लोग धड़ाधड़ सारा नेदरराइट निकाल लें, ठीक है, मशीन ऐसी होनी चाहिए ना तगड़ी एकदम क्रेजी। कहने का मतलब मैं AFK भी बैठूँ तो वो मेरे लिए नेदरराइट लेके आ जाए, जो कि पॉसिबल है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। कहने का मतलब ऐसे नहीं हम लोग नेदरराइट ड्यूप वाली मशीन या फिर ऐसा कुछ बना, नहीं, हम लोग बनाने वाले हैं एक ऐसी मशीन जो कि बम फोड़ेगी, कहने का मतलब टनलिंग करेगी हमारे लिए, समझ रहे हो, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, हमें सिर्फ और सिर्फ उसको बनाने की जरूरत है, जो कि थोड़ा हार्ड है और थोड़ा सामान लाना भी हार्ड है, बट ठीक है कोई बात नहीं, वो हमारे लिए टनलिंग करेगी और हम उसमें सामान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ होगा उसके लिए, जो कि होगा ढेर सारे TNT, क्योंकि उसमें लगता है एंशियंट डेब्रिस, और हम लोग के पास सैडली अभी एंशियंट डेब्रिस नहीं है। मैंने अपना एंडर चेस्ट चेक करा था और एंडर चेस्ट के अंदर हमारे पास नेदरराइट स्क्रैप भी पड़ा और 5 नेदरराइट इंगेट भी पड़े हुए, बट हमारे पास एंशियंट डेब्रिस नहीं, जो कि बेसिकली उसका जो नेदरराइट स्क्रैप जिससे निकलता है ना, क्या कहते हैं, स्मेल्ट होके, वो हम लोगों को चाहिए होगा, कम से कम 6 से 8 चाहिए होगा, तो वो कम नहीं होता है, वो भी काफ़ी सारा चाहिए होगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट से सामान जमा करना स्टार्ट करते हैं उस मशीन का, और जाके एंशियंट डेब्रिस हम लोग नेदर में ही निकाल लेंगे, हैंड टू हैंड वहीं पे बिल्ड भी कर लेंगे। तो चलो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, सारा का सारा सामान जमा करके सीधे निकलते हैं नेदर के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और बाकी वो जो 100 डेज 100 वीडियोज़ वाला चैलेंज है ना,
वो तुम्हारा भाई गारंटीड दोबारा करेगा, ठीक है। तो यस, अगर तुम लोग मेरे साथ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आई रियली नीड यू गाइस, मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती ना कसम से, ये चैलेंज हम लोग तोड़ देते यार, कसम से होता है अगर मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती ना यार। बट ठीक है, कोई बात नहीं यार, कोई नहीं, होता रहता है, आगे पीछे तो होता रहेगा। अभी हम लोग दोबारा से इसको ट्राई करेंगे, बट थोड़ा रुक के अभी, ठीक है, क्योंकि एक वेरी गुड न्यूज़ भी है तुम लोगों के लिए जो आगे जाके तुम्हें दिखेगी थोड़ा एक दो दिन बाद, एक दो दिन या फिर थोड़ा ज़्यादा दिन, एक्चुअली 5-10 एक हफ्ते में तुम लोगों को वो न्यूज़ दिख जाएगी, गुड न्यूज़ जो होगी। सो गेट रेडी फॉर दैट एज वेल। बाकी अभी के लिए तो मैं सामान जमा करके तुम लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट में। गाइस, हम लोगों ने मैक्सिमम सारा का सारा सामान जमा कर दिया, बस हम लोगों को अब एक बार स्लाइमी में जाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया यार, ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया कर दिया। चलो अब हम लोगों को बस एक बार स्लाइमी में जाना है, और यहाँ पे यार ये तो देख के मुझे बुरा ही लगता है, बट यहाँ पे बहुत सारा स्लाइम जमा हो रखा है। सबसे पहले तो मैं ये शुल्कर बॉक्स लाया था, इसमें हम लोगों को जितना भी काम का सामान है वो डाल देता हूँ मैं अभी के लिए। बेड तो मेरे को जेब में चाहिए होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेके घूम रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, ये हमें चाहिए होगा, डर्ट रख लेते हैं, शीयर्स की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये स्टोन कटर भी रखी नहीं है एक्चुअली, स्टोन कटर, हाँ चलो ठीक है, स्टोन कटर को भी रख ही लेते हैं। जैसे जैसे चाहिए होगा ना वैसे वैसे बनाते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया सारा का सारा, बस एक चीज़ और कर लेते हैं हम लोग यहीं पर, अब आई गए हैं तो एक काम करते हैं अपने पिस्टन बना लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ों का हम यहाँ पे हमारे पिस्टन आ गए, हम लोगों को कम से कम नहीं भी तो 17-18 पिस्टन बनाने पड़ेंगे, तो जितने बन सकते हो उतने बना देता हूँ मैं तो, देयर वी गो, ठीक है। 21 पिस्टन बन गए, ठीक है, चिल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर से एटलीस्ट नहीं भी तो जितना ज़्यादा हो सकता होता था स्लाइम बॉल रख ले, क्योंकि इसमें बहुत सारी हम लोगों को वो बनाने पड़ेंगे, स्लाइम ब्लॉक्स ही होंगे, ठीक है। अब हम लोगों को बस इतना कितना 9 या 10 लगेंगे आई गेस, तो जितने हो सकते हैं एक काम करते हैं 12-13, ओके। आई थिंक मेरे को 1-2 और पिस्टन बनाने पड़ जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल पिस्टन भी बहुत सारे चाहिए होंगे हमें, ठीक है, क्योंकि हर एक ऐसा नहीं चाहिए ना कि स्टिकी पिस्टन हो, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, ठीक है, 10-11 बना लेते हैं बस, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा, तो पिस्टन और इसको भी रख देते हैं, ये भी रख लेते हैं, आगे जाके क्या पता स्लाइम बॉल्स काम आ जाए। थोड़ा अपना लकड़ी भी रख लेते हैं अपने पास, और रेडस्टोन डस्ट को भी छोड़ देते हैं, कॉबलस्टोन को रख लेते हैं, हम लोगों को आगे जाके कॉबलस्टोन की जरूरत पड़ेगी, और हम लोगों को कॉबलस्टोन का एक्चुअली काटना वाटना भी पड़ सकता है, बट ठीक है, कोई नहीं, वो तो देखी जाएगी जैसा भी होगा, ठीक है। ये बस, बाकी सारा कुछ नहीं चाहिए ना हम लोग, भाई ये कितना स्लाइम है यहाँ, और भी है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं AFK खड़ा ही नहीं होता ना, मैं 1-2 बार ही खड़ा होता। वो देखो चोर को, मेरी लकड़ी का वो रख के घूम रहा है वो चोर कहीं का। अभी भी हम लोग इसमें ऊपर जाएंगे तो काफ़ी बढ़िया स्लाइम हम लोगों को मिल जाएगी, बट अब हम लोगों को 2-3 चीज़ें चाहिए, जो कि है सिर्फ और सिर्फ एक TNT, एक नहीं एक्चुअली 2 या 3 TNT चाहिए होंगे आई गेस, बट हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलेंगे जस्ट इन केस अगर बाई चांस टूट फूट मच गई तो। चलो फटाफट से यार, ये एरिया मुझे साफ़ करना था यार, ये मेरे बिल्ड को लिटरली पता, तो मैं लेस एस्थेटिक बनाता है भाई हर बार, जितनी बार जाओ ना 1, 2, 3, 4, 5 इतना ऐसे हो जाएगा। हम लोगों को चाहिए डर्ट, बट डर्ट तो है ही नहीं, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। डर्ट कह रहा हूँ, हम लोगों को सैंड चाहिए होगी, रुको जरा एक मिनट यार, ये भी हटाना ही है ना, तो एक काम करता हूँ थोड़ा बहुत इसी से तोड़ लेता हूँ ना यार, देखो हटाने को ये हटाना भी है और थोड़ा बहुत काम भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ हम लोगों को सैंड चाहिए था तो सैंड भी मिल जाएगी। देखो, एक तीर, 2 निशाने, निशाने इज द तीर, थैंक यू, सॉरी यार क्या बोलता हूँ, कभी खुद को ही समझ में नहीं आता है, देयर वी गो। और ये कर लेते हैं बस, इसमें जितने लग सकते हैं 12 TNT मोर देन इनफ एक्चुअली। जो देखो इनको देख लो, हाँ भाई बढ़िया पार्टी चल रही तुम्हारी है, बहुत बढ़िया, हाँ बढ़िया काम कर रहे हो सारे। अब ऐसा ना हो कि ये सारे ही बाहर ही आ रहे हैं भाई, सारे फार्म ना टाइम टू टाइम ख़राब होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, मतलब ख़राब समझ निकल। चलो गाइस फटाफट से सॉरी यार, गलती से हाथ लग गया होगा, करके नहीं करा ब्रो, करके करा होगा ना, बाय गॉड कह रहा हूँ, तो मेरा नाम ना अंशु बिस्ट से गेमर फ्लीट कर देना और गेमर फ्लीट भी बढ़िया ना लगे तो नॉट गेमर फ्लीट कर देना और नॉट गेम, चलो छोड़ो भाई, नाम भी इतने हैं कि क्या बताऊँ। हम लोगों को जाना पड़ेगा कोरल ओशन में, ठीक है, क्यों वो मैं तुम लोगों को अभी बता देता हूँ, रुको जरा, पहले जाते हैं फिर बताता हूँ तुम्हें। कोरल ओशन में हम लोगों को जाना पड़ेगा, जो कि है इसी साइड को है कहीं पे, हाँ ये अपना मशरूम बायोम आ गया। हम लोगों को चाहिए होंगे भाई वो क्या कहते उसे, जो कोरल फैंस होते हैं ना एक्टिव, ये रहा भाई ये रहा, क्योंकि हम लोगों को अगर TNTs को एक्टिवेट करना है, वो बार बार फटते रहे, तो हम लोगों को ये कोरल फैन भी तो चाहिए होंगे उसके लिए। देयर वी गो, वो रहा हमारा कोरल फैन, तो चलो इसको निकाल लेते हैं। ओके ओके माय बैड, ये वाली होगी फिर, देयर वी गो, ठीक है, ये रख लेते हैं एक, ये रख लेते हैं एक, ये कौन सा है, फायर है, हॉर्न कोरल है, कोई नहीं वैसे फायर और हॉर्न से फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी चलो फायर रख ही लेते हैं ना, यही है ना फायर, फायर है नहीं ब्रेन है, लाल कलर का होता है फायर कोरल,
वो हो रहा, ये देखो, आई होप एंड आई गेस ये फायर कोरल होना चाहिए, फायर कोरल फैन। मेरे को पता नहीं क्यों लगता है, क्योंकि मैंने ना स्टार्टिंग से ही सारे जितने भी बिल्ड बनाए आज तक जिसमें TNT ड्यूप होते हैं ना, उसमें मैंने यही देखा है कि वो फायर कोरल फैन होता है। मतलब मैंने यूज़ करा खुद से फायर कोरल फैन, तो वो थोड़ा दिमाग में नहीं रह जाता तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में कि ऐसा होना चाहिए, तो वही है। चलो अभी निकलते हैं फटाफट से यहाँ पर से बाहर और वापस निकल जाते हैं। मेरे ख्याल से इधर को होना चाहिए, खो ना जाऊँ बस। चलो अभी तुम लोगों से मिलते हैं सीधे नेदर में गाइस, क्योंकि हम लोगों को काम धंधा स्टार्ट करना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोगों को ये बिल्ड बनाना है, मैं तुम्हें रुको जरा मैं एक मिनट में तुम्हें कैलकुलेटर खोल के बताता हूँ, ठीक है, कि अगर हम लोगों को ये बिल्ड बनाना है तो हम लोगों को कितना एंशिएंट डेब्रिस चाहिए होगा, और मुझे नहीं पता उसमें कितने घंटे लगने वाले हैं, बट अब बोल दिया है तो करेंगे भाई कुछ तो तगड़ा, ठीक है। चलो हम लोगों को चाहिए कम से कम 164 ब्लॉक, वो तो सबको ही पता है एक फुल्ली मेड बीकन के लिए 164 चाहिए, 160 एक मिनट को 164 नहीं चाहिए, नहीं मैं बताता हूँ क्यों। मेरे पास एक बहुत तगड़ा आइडिया है, क्योंकि मैंने तुमसे हमेशा बोला है कि वर्क हार्ड बट ऑल्सो स्मार्ट, ठीक है, हार्ड तो काम करो बट स्मार्ट भी काम करो। देखो सीधी सी बात है, हम लोगों को इसको पूरे को नेदरराइट से भरने की जरूरत ही नहीं है। जब हमें दिखेगा ये बाहर वाला एरिया, जैसे ये है देखो, ये तो मैं अंदर वाला दिख रहा था, अभी अंदर वाला भाई चाहे कुछ भी हो बस एक्टिवेट होना चाहिए, है ना, तो अगर ये अंदर वाला आयरन भी होगा ना तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को बाहर बाहर से मतलब है, देखो ऊपर वाली तो पूरी लेयर बनेगी क्योंकि बीकन के भी थ्रू दिख रहा है कि क्या है करके, तो नीचे अजीब सा लगेगा आयरन दिखता है, तो ऊपर वाला तो 9 के 9 ब्लॉक, देखो मान लो कि 9 के 9 ब्लॉक हमें ऊपर वाले के लिए चाहिए, बट बाहर वाले के लिए हमें कितना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, इसमें हमने खाली 16 चाहिए जबकि इसमें हमें नॉर्मली 25 चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली एक मिनट रुको, हम लोग इसको कर सकते हैं ना यार, इतना सिंपल मैथ्स तो है, हम लोगों को क्या करना है, 7, 7 जब 49, नीचे वाली लेयर 7 की है, 7, 7 जब 49, 49 माइनस 25 कितना होगा, 14, राइट, 49 माइनस 25, हाँ नहीं 24 होगा, 24, ठीक है, तो इसमें हम लोग 24 ऐड कर देंगे। फिर लास्ट वाला होता है 9, 9 जब 81, राइट, तो 81 माइनस 49 कितना होगा, 81 माइनस 49, है ना, 49, 2, 51, 31 हम लोगों को, नहीं 32 चाहिए होगा हमें, 32, ठीक है, तो हम लोगों को इन शॉर्ट खाली 81 ब्लॉक्स चाहिए, ठीक है, नेदरराइट के। अब 81 नेदरराइट के ब्लॉक्स चाहिए, इसका मतलब कि हम लोगों को हर बार 9 इंगेट चाहिए, 9 इंगेट बनेंगे, हर एक इंगेट बनेगा 4 नेदरराइट के स्क्रैप से, तो हम लोगों को 4 चाहिए, तो हम लोगों को 2916 चाहिए होंगे, मतलब 46 स्टैक्स भाई यार, प्लीज ब्रो, यू बेटर वर्क, ओके, यू नेदरराइट माइनिंग मशीन, यू बेटर वर्क ब्रदर, क्योंकि मेरे को भाई 45-46 स्टैक नेदरराइट का, मतलब नेदरराइट स्क्रैप का, एंशिएंट डेब्रिस के 45.5 स्टैक, मतलब 45 स्टैक। ओके, सबसे पहले तो मैं दूर जाने वाला हूँ यहाँ पर से, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा माइन किया हुआ है ऑलरेडी, तो फ़ायदा नहीं होगा, पहले हम लोग यहाँ से दूर चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और अपने दिमाग को भी शांत करते हैं, क्योंकि हम लोग को हद से ज़्यादा नेदरराइट स्क्रैप चाहिए, हद से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही एक्चुअली, ओवर हो रहा है ये, इतना तो सोचा भी नहीं था मैंने, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले अपना फूड ले लेते हैं, एंड सेकेंड थिंग्स सेकेंड कि हम लोग को ये पहनना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आग वाग लग जाए वाली चीज़ है ना, ये देखो देख रहे हो, टुस्सी जलाने के लिए अलग सार के। सबसे पहले हम लोगों को 16 की हाइट पे जाना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ से काम धंधा शुरू करना पड़ेगा। ये देखो कैसे, देख रहे हो कैसे लावा है एकदम से, गंदा लावा। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं 16 की हाइट पे, परफेक्टली हमें यहीं पे खोदना है, तो हम लोगों को मशीन को बनाने के लिए सबसे पहले तो देखो 16 की हाइट पे खोदना, तो हमें 2 नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मशीन जो है वो TNT फेंकती है आगे को, समझ रहे हो, तो हमें उसके हिसाब से सोचते हुए चलना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस एरिया को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ताकि हम लोग यहाँ पर अपनी TNT एक मिनट को F3G भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग बिल्कुल एज पे हूँ 2 इनके, हाँ परफेक्ट, ठीक है। तो इस एरिया को मैं थोड़ा सा चौड़ा करता हूँ, ताकि हम लोगों को एरिया बनाने मतलब मशीन बनाने के लिए एरिया मिले, तो मेरे को 2 मिनट दो, फटाफट से इस पूरे एरिया को थोड़ा चौड़ा बना के आता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो गाइज यार इसको मैंने चौड़ा तो कर दिया है, बट यहाँ ऊपर मेरे को पता चला है कि लावा ही लावा है, तो इसमें थोड़ा सा डर लग रहा है, बट भाई क्या डरावनी आवाज है, हेलो ढंग से हेलो, थोड़ा हम लोगों ने एक दिक्कत वाली चीज़ कर दी है, जो कि मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो की हम लोगों को चाहिए, और जो कि थी व्हाट गाइस, क्या बोला था मैंने, एंशिएंट डेब्रिस, राइट, हम लोगों के पास एंशिएंट डेब्रिस ही नहीं है, जो कि एक्चुअल में इसका
पिलर पॉइंट है, तुम समझ रहे हो, ये पूरे बिल्ड का पिलर पॉइंट है एंशिएंट डेब्रिस, और हमारे पास एंशिएंट डेब्रिस ही नहीं है। तो मेरे को सबसे पहले दो मिनट दो गाइस, अब मैं टीएनटी भी बना के नहीं, एक्चुअली एक मिनट होगा, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टीएनटी है, हमें सिर्फ ऐसे दो चाहिए राइट। तो अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करते तो हम लोग को चार चाहिए होंगे, हमारे पास थोड़े बहुत टीएनटी बचे हुए हैं लाइक टू यूज़ एक तरह से, बट चलो देखते हैं जो भी होगा जैसे भी होगा, ट्राई तो करके देखते ही हैं एक बार ही। पहले ऐसे ही देख लेता हूँ थोड़ा सा, अगर ऐसे मिल जाए तो बेस्ट है, ऐसे तो वैसे खाली लावा ही मिल रहा है, बट ठीक है भाई, छोड़ भाई, ट्राई नहीं छोड़ना है भाई, करते रहो ट्राई। चलो मेरे को दो मिनट दो गाइस, मैं फटाफट से छः एंशिएंट डेब्रिस चाहिए हमें इस बिल्ड के लिए, तो मैं छः एंशिएंट डेब्रिस ढूंढ के तुम लोगों से मिलता हूँ दो मिनट के अंदर। ओके गाइस, अपने पास हो चुका है, यार ऐसे मत बोलो यार, यार एक एक की वेन क्या मिल रही है मुझे आज, मेरे लक खराब चल रहा है क्या आज, क्योंकि लग ऐसे ही रहा है भाई, ये जेन्युइनली एक ही था इधर बस। तो गाइस अपने पास एग्जैक्टली छः हो चुके हैं, क्या कहते हैं, नेदरराइट इंगेट नहीं, मतलब नेदरराइट एंशिएंट डेब्रिस, तो अपने पास छः एंशिएंट डेब्रिस हो चुकी है। अब चलो फटाफट चलते हैं, अगर मेरे को मिल जाता है, मैं कहाँ से आऊँ, क्योंकि मैंने इसमें बहुत देर से खोद रहा हूँ, थोड़े ज़्यादा ही देर से खोद रहा हूँ सच्ची बताऊँ तो भाई, बहुत ही ज़्यादा देर से खोद रहा हूँ। तो यस, अगर मेरे को मिल जाता है रास्ता वापस जाने का तो वहाँ चलते हैं, वरना यहीं पर बना लूँगा मैं, दोबारा से क्लीन कर दूँगा, मेरे को कोई बहुत लाइक दिक्कत नहीं हो रही है। तो चलो अपने पास आ चुका है छः डेब्रिस, और हम लोग इसको बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, 1 2 3, हम लोग को 3 एंशिएंट डेब्रिस लगानी सबसे पहले, यस सर। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है पता है, सबसे पहले ये जितना कूड़ा है ना अपनी जेब में ये फेंक दूँ मैं ज़रा, अगर इसने दुखी कर दिया है मेरे को। चलो हम लोग को स्लाइम ब्लॉक्स चाहिए होंगे, हमें ये चाहिएगा, स्टिकी पिस्टन चाहिए होगा, हम लोग को स्टोन कटर चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग को स्टोन काटना पड़ेगा, और क्यों लेंगे स्टोन कटर है ना, ये हो गया हम लोग को। और क्या चाहिए होगा, हम लोग को ऑब्जर्वर्स चाहिए होंगे, अभी के लिए शुरूम लाइट चाहिए होगी, ठीक है। अब देखो हम लोगों को कैसे करना है, ये तीन हो गए, इनके पीछे सबसे पहले हम लोगों को एक शुरूम लाइट चिपका देनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को एक ऑब्जर्वर निकालना है जो बाहर को फेस कर रहा हो, जैसे कि ये वाला कर रहा है, ठीक है। अब लेकिन इस ऑब्जर्वर से हम लोगों को ऐसे करके एक स्टिकी पिस्टन डालना है, और स्टिकी पिस्टन के जस्ट अपोजिट में ऐसे चिपकाते हुए एक नॉर्मल पिस्टन, जैसे कि यहाँ पे डाल दिया है। अब ये नॉर्मल पिस्टन के बाद हम लोगों को एक ऑब्जर्वर डालना है जो कि अंदर को फेस करता हो, जैसे कि ये है, और इसके मुंह पे हम लोगों को पता है क्या लगाना है, रुको जरा एक मिनट, सबसे पहले तो हम लोगों को इससे थोड़ी बहुत ये ले लेते हैं, ठीक है, और फिर थोड़ी बहुत ये ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके बिल्कुल मुँह पे ऐसे करके स्लैब वो लगा देना है, क्या कहते हैं उसे, अपना वॉल लगा देनी है, फिर वॉल से हम लोगों को दो स्लैब्स खींचने ऐसे। और अब जो हम लोग फैंस लेके आए हुए थे ना, जैसे कि रुको, फायर कोरल फैन का है मेरा, ये फायर कोरल फैन को ऐसे करके लगाते हैं कि तो कूल लगता है दिखने का ऐसे, ठीक है। तो ये रुको जरा, सड़ेगा, सड़ गया, ठीक है। बेसिकली पानी के बाहर कोरल फैन नहीं टिक पाते ना, ये हो गया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को निकालने पड़ेंगे अपने TNT जो हम लोग लेके आए थे, उसको वॉल के ऊपर रख देना ऐसे। भाई साहब मेरे को जेन्युइनली भाई मेरे को डर क्या लग रहा है, मैं तुम्हें बता दूँगा इस, ठीक है। मेरे को ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा डर जैसा हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है। मेरे को बस डर एक ही चीज़ का लग रहा है, जो कि है कि ये ना मैंने लास्ट टाइम कब बनाया था, 1.16.5 में या फिर 1.17.1 में, मेरे को याद नहीं है, बट मैंने ये उसमें बनाया था। आई जस्ट होप ये 1.20 में भी काम करे, अगर ये नहीं काम करता ना तो अपना भजिया पाला बनने वाला है, कहने का मतलब हमारा बहुत टाइम बर्बाद होगा, बहुत ज़्यादा, 45 स्टैक्स इज टू मच। इसमें तो मैं चलो AFK खड़े हो जाऊंगा, ये तोड़ते रहेगा अपना, मैं आराम से जाके एंशिएंट डेब्रिस जमा करते रहूंगा, बट अगर ये चीज़ काम नहीं करती है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये एक तरह से 1.17 या 1.16.5 का बिल्ड है, और मैं इसको 1.2 में चेंज कर मतलब ट्राई करने वाला हूँ, तो प्लीज़ यार सारे के सारे अभी जाके कॉमेंट सेक्शन में प्रे इमोजी मार दो यार। आई जस्ट होप ये काम करे, मेरी मेहनत ना फालतू चल जाए। मैं लिटरली पिछले एक घंटे से या डेढ़ घंटे से सिर्फ और सिर्फ यही काम कर रहा हूँ, डेढ़ घंटा आई गेस, पिछले डेढ़ घंटे से मैं सिर्फ और सिर्फ इसको बनाने की चक्कर में हूँ, पता तुम्हें, मैं क्या बोलूँ भाई, तो पहले इसको भर देते हैं पूरा, ठीक है, मेरे को ये नहीं चाहिए यार। तो चलो गाइज इसका अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा राइट। देखो ये हो गया है पूरा का पूरा, अब हमें इस पिस्टन के इस श्रूम लाइट के ऊपर हम लोगों को लगानी है ये एक्टिवेटर रेल और ये माइन कार्ट, ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या है ना, कि मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्टली ऐसे लगा सकता हूँ, बट फिर क्या, थैंक यू दोस्त, बहुत थैंक यू आपका, ठीक है, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं बोलने वाला था कि फिर क्या होगा, फिर ये होगा, मैं जस्ट बोलने वाला था ये चीज़, और जी जी मैंने वही गधापंती कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, बट ठीक है रुको जरा इसको भर देते हैं दोबारा से, ठीक है।
देर वी गो, चल 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 भाई, मैं लेजिट भाई जो चीज़ समझा रहा हूँ वही चीज़ हग रहा हूँ भाई, देख रहे हो तुमने क्या हरकतें, देख लो मेरी, ठीक है। अभी इसमें क्या था, यहाँ पर एक वॉल लगी हुई थी राइट, हम लोगों को एक वॉल लगानी पड़ेगी दोबारा से, यहाँ पे इसके मुंह पे एक वॉल आएगी, वॉल के ऊपर आएगा हमारा क्या कहते हो उसे, वॉल से दो स्लैब इधर थे, यहाँ पे TNT आ जाएगा हमारा, ठीक है। आई होप ये दोबारा ना जल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा TNT आ जाएगा, क्योंकि ये कोरल फैन से TNT जल जाता है ना कभी कभार। ये हो गया, उसके बाद हम लोगों को टेम्प्रेरी ब्लॉक्स लगाने हैं, ठीक है। अब यार ये भाई, इनके लिए लाइट भी लगाई फिर भी आ रहे हैं, आई थिंक ये बीच में थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, यहीं पे स्पॉन हुआ है। चलो अभी हम लोगों को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, हम लोगों को बेसिकली क्या करना है ना, हम लोगों को यहाँ पर एक्टिवेटर रेल लगानी है ऐसे, इसके ऊपर हम लोगों को एक रेल चिपकानी है ऐसे, ठीक है। अब इस रेल को हम लोगों को धक्का पड़वाना है अंदर, जो कि होगा किस चीज़ से गाइस, सीधी सी बात है हमारे पिस्टन से, ठीक है। तो हम लोगों को देयर वी गो, एक पिस्टन लगा देना है, रुको बस यहाँ पर एक बढ़िया से पिस्टन लगा देते हैं, देयर वी गो। और इस पिस्टन के पीछे हम लोगों को इसको बस एक्टिवेट कर देना है, तो हम लोग इसको रेडस्टोन लाया हूँ ना मैं, हाँ ये रहा, बस इसे ऐसे एक्टिवेट करते हैं। अभी अंदर जाएगा तो देखो, इस बारी अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो इस बारी ये TNT नहीं फटा, क्योंकि ये एक्टिवेटर रेल बेसिकली झटके से आई ना वहाँ पे, तो वो इसलिए एक्टिवेट नहीं हो पाया। ये चीज़ हमारी सही हो गई, ये सामान वापस ले लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं पूरा का पूरा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हम लोगों को। अब हम लोगों को आना है इस साइड को पीछे, दोबारा से हम लोग वही करेंगे, हम लोग अपने ब्लॉक्स लेंगे, ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को एग्जैक्टली देखो क्या करना है, यहाँ पर एक पिस्टन लगाना है, नॉर्मल पिस्टन, ठीक है, जो नॉर्मल पिस्टन इधर को आ रहा होगा। मैं तुम लोगों को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि तुम्हें ये सब पसंद है नहीं है, या फिर मैं सीधे बिल्ड बना के तुम्हें दिखा दिया करूँ तो वो ज़्यादा मज़ा आता है, तो मेरे को प्लीज़ बता देना, क्योंकि इसमें सच्ची बताऊँ तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है मेरा, वरना मैं चाहूँ सीधे बनाऊँ तो मैं जल्दी जल्दी बना सकता हूँ, स्टेटस समझा, ओके थोड़ा सा डरावना होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इसके मुंह पे हम लोगों को रेडस्टोन लगा देना है ऐसे करके, और लास्ट में हम लोगों को इसके नीचे ऐसे करके एक ये लगा देना है, ठीक है। अब हम लोगों को ये सेम चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे बना दिया, ये सेम चीज़ हम लोगों को एक और बार रिपीट करनी है, तो चलो जैसे ये बनाया हुआ है ना, सेम टू सेम इसको रिपीट करना है, चलो इसको रिपीट करके मिलता हूँ तुम लोगों से 2 मिनट के अंदर। मैं तुम्हें बताता हूँ कितने ब्लॉक है, तो इसमें हम लोगों को 6 ब्लॉक का डिफरेंस रखना है, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक का डिफरेंस रख के ये करना है। अब मैं तुम लोगों को मिलता हूँ इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करने के बाद ही, ठीक है। चलो मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं फटाफट से इसको सेम टू सेम जैसा उधर पे हम लोगों ने बना दिया है ना, वैसी सेम टू सेम बना के मिलता हूँ। सही है, अब तो नॉर्मली इसको ऐसे करके बगल से देखते देखते बना सकते, बार बार ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो ये कहाँ पे लगता था, वो कहाँ पे लगता था, चल ऐसे कर देंगे इसमें। गाइस फाइनली पूरी की पूरी मशीन कंप्लीट हो चुकी है, मैं दूसरा वाला पार्ट कंप्लीट करने वाला था, बट जो इसके पीछे का पार्ट है ना, ये वाला, ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और इसने मेरा दिमाग हिला के रख दिया, 3 से 4 बार कम से कम नहीं भी तो ये एरिया फट चुका है, तुम्हें पता है कि मुझे बार बार बनाना पड़ा, बट फाइनली इट इज़ डन, पूरा का पूरा काम हो चुका है, पूरी मशीन जो है वो रेडी है, बस इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, और इसको थर्ड पे रखते हैं, तो थोड़ा हाथ की भी आदत वाली बात है ना, तो ये पूरा का पूरा मशीन रेडी हो चुकी है, लेट्स गो, ट्राई करने का टाइम आ चुका है कि क्या ये काम करेगी। प्लीज़ यार, सारे के सारे कमेंट्स में प्रे इमोजीज़ गाइस, ठीक है। मेरे को नहीं पता ये इस वाले में काम करेगी या नहीं करेगी, कुछ इशू आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, मेरे को जनरली नहीं पता है, बट लेट्स होप कि ये काम करे। सो लेट्स गो, 1 2 3, पिछले एक घंटे से बना रहा हूँ मैं इसको, मैं जेन्युइनली तुम्हें झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही हो गया होगा ये सोच के कि ये मेरा थोड़ा टाइम बचा देगी, पिछले एक घंटे से बना रहा हूँ मैं इस मशीन को, ये जानने के लिए कि ये अब 1.2 में काम ही नहीं करती है भाई, जी जी भाई ये कर लो पहले यार, ये मशीन 1.2 में काम ही नहीं कर रही है, 1.20 में भाई, मैं मेरे को सच्ची में स्केप्टिकल था कि ये काम करेगी कि नहीं करेगी, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि नहीं करेगी, मेरे को ज़्यादातर लग रहा था करेगी, कि डुप्लीकेशन अभी भी काम, जले पे नमक छिड़कना आ गया वो भी देखो, हाँ ठीक है भाई, हाँ यार आ इधर आ, तुझे बताता हूँ मैं भाई, यार कसम से रे, मेरे को लगा कि ठीक है थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ हो जाएगा, बट यार काम तो करेगी, TNT ने ड्यूब भी करा उसने, बस TNT को आगे नहीं फेंका, तुम समझ रहे हो,
छी यार 1.20 में कुछ तो आया था नए वो, जिसकी वजह से पूरा का पूरा काम नहीं कर रहा है। तो यस, जो मैंने सोचा हुआ है वो ये सोचा हुआ था कि मेरे को लग ही रहा था कि हो सकता है कि ये काम ना करे तो हम लोगों को एक प्लान बी लेके चलना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे को ऑलरेडी नहीं भी तो 2.5 घंटे के आसपास इसको बनाते हुए हो गया पूरा बिल्ड मतलब। लेकिन अब हमारे पास एक ऑप्शन टू है जो कि मैंने पहले से सोचा हुआ था। देखो हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, हम लोगों को 9x9 बनाना है, फिर एक 7x7 बनाना है, फिर हम लोगों को एक क्या कहते उसे 3x3 बनाना है ऊपर, मतलब 5x5 फिर 3x3 राइट। चार लेयर्स होती है जिसमें हम लोगों ने सोचा हुआ है कि अंदर हम लोग आयरन भर देंगे, बाहर से दिखाने के लिए उसको लेयर बाई लेयर कर देंगे राइट, जो कि फिर भी स्टिल मुश्किल होगा। बट अब मैंने क्या सोचा हुआ है पता है क्या, हम लोग ऐसे करते हैं कि इसको मल्टी बीकन बनाते हैं इंस्टेड ऑफ खाली नेदरराइट का बीकन, जो कि टफ पड़ेगा। हाँ मैं टाइम के साथ साथ भाई कलेक्ट करते जाऊंगा और एक दिन हम लोग गारंटीड उसको पूरा का पूरा नेदरराइट का बना देंगे अंदर से लेके, समझ रहे हो। लेकिन अभी के लिए हम लोगों को जैसे देखो 3x3 ये चाहिए होगा ना, हमें कम से कम 3 का वो चाहिए होगा राइट। ऐसे हम लोगों को ये 3x3 एटलीस्ट नेदरराइट का चाहिए, फिर उसके नीचे वाला हम लोग डायमंड का बना देंगे 5x5, फिर जो 7x7 है वो गोल्ड का बना देंगे, फिर जो 9x9 होता है एमरल्ड का बना देंगे, तो दिखने का भी कूल लगेगा और एट द सेम टाइम मस्त भी हो जाएगा, लाइक हमारी भी मेहनत थोड़ी बच जाएगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको करने वाला हूँ एटलीस्ट नेदरराइट का। तो हम लोगों को देखो 9x9 अगर नेदरराइट चाहिए, 9 नेदरराइट चाहिए, और सीधी सी बात है बाय 9 करना पड़ेगा फॉर नेदरराइट इंगेट ठीक है। तो हम लोग को 81 इंगेट चाहिए होंगे जिसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 324 हम लोगों को कम से कम डेब्रिस चाहिए होगा, जिसमें से अपने पास 7 यहाँ पे पड़ा हुआ है ठीक है, 7 5 3 यहाँ पे 7 3 10 ओए हमारे पास 5 इंगेट भी तो पड़े हुए हैं ओके। 81 में से 5 इंगेट माइनस करते हैं 76 इंगेट होते हैं, अब इनको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 304 चाहिए होंगे जिसमें अपने पास 10 पड़ा था, हमें 394 और चाहिए। तो यस अपने पास थोड़ा बहुत ये भी पड़ा हुआ है TNT 20। तो चलो मैं चलता हूँ वापस से ओवर। अरे बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, यही तो चाहिए था एट दिस मोमेंट, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए था मुझे, लेट्स गो। चलो गाइस अब मैं जाता हूँ वापस से ओवरवर्ल्ड में, ये वाला प्लान तो हमारा काम नहीं करा। मेरा जेनुअनली मैं सोचा था पीछे आराम से चिल मारूंगा बैठ के, ये आराम से अपना क्या कहते उसे बोरिंग करते रहेगा, मतलब तोड़ते रहेगा, मैं आके खाली वो लेके चल दूंगा, सामान लेके चल दूंगा, बट ये चीज़ काम नहीं करने वाली है। अभी हम लोग यहाँ से फटाफट से निकलते हैं सीधे अपने घर की तरफ को, और जाके सबसे पहले लेके आते हैं अपने लिए जितने ज़्यादा TNT हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को फिर भी 294 एंशियंट डेब्रिस होगा, 294 तुम समझ रहे हो ना, दैट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 5 stacks। तो चलो जाता हूँ फटाफट से, जितने ज़्यादा TNT हो सकते हो तो ज़्यादा TNT जेब में भर के लेके आता हूँ, और फिर यहाँ पे TNT बजाना स्टार्ट करते हैं। गाइस हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए होगी जो कि है ये तो नहीं है, इस बंदे से चाहिए होगा हम लोगों को एक बो चाहिए होगी बस, जिसमें फ्लेम मिल जाए हमें, जो कि मेरे को लग नहीं रहा कि है, बट ठीक है हम लोग क्या कर सकते हैं पता है क्या, मैं यहाँ पर ढेर सारा सामान लेके आया हूँ, पहले तो हम लोग थोड़ा सा एमरल्ड ट्रेड कर लेते हैं, रुक जाओ जरा कहाँ गए ये रहा ठीक है, इससे ले लेते हैं थोड़ा सा हमारे भैया जी से ले लेते हैं, लाओ 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 भैया जी मेरे को एमरल्ड दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। उधर भी मैंने बनाए हुए थे, उनसे भी ट्रेड करके आ जाता हूँ फटाफट से, ये नहीं है ये भी नहीं है, अच्छा ओके यहाँ पर वूल ये रहा मैं वही सोचा था वूल वाले नहीं यार और भी थे, देर वी गो इधर आओ भैया ये लो ठीक है ऐश करो, एक मिनट और ट्रेड नहीं लेगा जी भाई, इतने टाइम बाद ट्रेड करने आते तो एटलीस्ट इन लोगों ने यार हैंड टू हैंड ट्रेड रिफ्रेश करनी चाहिए, तो मैं नहीं लगता यार ये चीज़ सही करनी चाहिए पता है माइनक्राफ्ट वालों को, मेरे को फील होता है ऐसा, मतलब कि करना चाहिए, अब नहीं कर रहे इसके पास नहीं है हम लोगों को बेसिकली फ्लेम वाली बो चाहिए होगी, थोड़ा ईजी हो जाएगा काम अपना ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्लेम वाली बो पावर 1 फ्लेम वाली बो है क्या तुम्हारे पास, पावर 2 जी एक नॉर्मल सी बो ले लेते हैं इनसे और देखते हैं, मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर दो बट शायद कभी इन्फिनिटी है यार, फ्लेम चाहिए मेरे को एक्चुअली, चलो ठीक है एक काम करते हैं इन्फिनिटी की बुक ले ही लेते हैं, फिर दे ही रहे तो 18 में दे रहे, अपने पास 58 पड़े हुए है ना, रुको ले लेते हैं। अरे यार भाई क्या है यार, एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए जो बुक शेल्फ दे ताकि बुक्स निकाल सके उसमें फटफट, चोरी की बुकें तो जल्दी जल्दी चाहिए होती हैं भाई। चलो अभी हम लोग एक काम करते हैं, फिर वो तो नहीं दे रहा, हम लोग एक काम करते हैं जल्दी से जाते हैं और देखते हैं अगर हम लोग इसको एन्चांट कर सकते हैं या नहीं, हम लोगों को पता कहाँ जाना पड़ेगा एन्चांटिंग के लिए अपने बेसिक घर पे जो हम लोग ने सबसे पहले बनाया था। प्लीज इन्फिनिटी के साथ साथ थोड़ा सा बस अगर हम लोगों को फ्लेम मिल जाए तो नहीं मिलेगा ठीक है कोई बात नहीं, अपने पास एक्सपी की कमी नहीं है तो लेट्स होप यहाँ पे फ्लेम मिल जाए, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, एक बार तो मिल ही जाना चाहिए, इस बार तो मिल रहा है भाई, इस बार मिल रहा है फ्लेम। अरे अनब्रेकिंग 3 भाई यार प्लीज़ ऐसा मत कर,
मेरा लैपिस खत्म होने को आया है यार। पंच यार लास्ट है, कम ऑन ब्रो। पंच टू पावर फोर अनब्रेकिंग थ्री वो बहुत अच्छी है, बट मुझे एक फ्लेम चाहिए, वो ही नहीं मिल रहा है। बस रुको जरा, फ्लेम लेके आता हूँ, मेरे को लैपिस लेके आना पड़ेगा उधर से, या फिर एक में मेरे एंडर चेस्ट में है क्या लैपिस? नहीं ना, वो लैपिस यहाँ पड़ा है जी। चलो फटाफट से मैं इसमें फ्लेम लेके तुम लोगों को मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। लेट्स गो बॉयज। कुछ और नहीं मिला लेकिन फ्लेम मिल गया उसके अंदर, मतलब ना अनब्रेकिंग है ना कुछ है, बट ठीक है कोई बात नहीं, विल वर्क फॉर मी फॉर नाउ, लाइक अभी के लिए तो काम कर ही जाएगी ये चीज़, ठीक है। चलो एक और चीज़, मेरा का ये रहा ना, मेरा कार्डबोर्ड बोलने वाला था, मेरी क्राफ्टिंग टेबल और वो बंदा कहाँ है? देखो हमें बेसिकली और बहुत सारे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे जाके, ठीक है। मेरे को इतना पता है कि हम लोगों को गारंटीड बहुत सारे एमरल्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि फाइनल जो होगा नीचे वाला ना, या तो फिर नीचे वाले को हम लोग गोल्ड कर सकते हैं फिर, है ना। हाँ नीचे वाले को हम लोग पूरा गोल्ड कर देंगे, गोल्ड ईजी है, तुम लोगों को पता है हम लोगों के पास पूरा फार्म है और वो फार्म भी भरा हुआ है, ऐसा भी नहीं कि वो फार्म खाली है। तो हम लोग एमरल्ड वाला 7x7 का एमरल्ड वाला कर लेंगे और वो वाला फार्म से कर लेंगे, हमारे लिए ईजी है। ओ भाई थोड़ा सा उठेगा क्या, मालिक आ रखे तेरे, बस ठीक है अब सो जा जा, ठीक है। और ये पेपर हम लोग फेंक देंगे, चिल्ले हम लोगों को जरूरत नहीं है। अब चलो गाइस जल्दी से आता हूँ, TNT बजाता हूँ हम लोग का एटलीस्ट, नहीं भी तो 294 चाहिए, 294 तुम समझ रहे हो कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो यस मैं आता हूँ और ढेर सारे TNT बजा के 294 एंशिएंट डेब्रिस लेके आता हूँ। भाई लेजिट ऐसा लग रहा मजाक हो रही है भाई, 294 ठीक है, कोई नहीं, समझ गया जी। मेरे पैरों के जस्ट नीचे एंशिएंट डेब्रिस था, लेट्स गो। अरे यार वो फटा ही नहीं वाला, ओ एंशिएंट डेब्रिस आ रहा हूं मैं। व्हाट गाइज, इसमें टाइम तो लगेगा बट आई गेस थोड़ा जल्दी हो सकता है, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी 13 एंशिएंट डेब्रिस हो चुका है। हाँ हम लोगों को ऑलमोस्ट 5 स्टैक करना है ये, बट ठीक है मिलते हैं आप करके ही मिलते हैं। तो गाइज मैंने सारा का सारा नेदरराइट जितना भी था वो सारा स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया और इसमें टाइम लगने वाला है। तो हम लोग एक काम करते हैं, देखो मैंने जाके गोल्ड तो लेके आ गया हूँ मैं, जो कि हम लोगों को चाहिए होगा फॉर श्योर, लाइक सारा का सारा वो बनाने के लिए, बीकन को स्टार्ट करने के लिए। नीचे वाले में वैसे ही गोल्ड लगने वाला है, फिर हम लोगों को नेदरराइट इंगेट बनाने के लिए भी गोल्ड चाहिए होगा, तो इसलिए मैं गोल्ड लेके आ गया हूँ। बट अब देखो जो मैंने सोचा हुआ है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम लोगों को ऊपर वाली जो पूरी वो है, क्या कहते हैं उसे, लाइन है, उस ऊपर वाली लाइन के लिए पूरा का पूरा नेदरराइट चाहिए, राइट। हम लोगों को पूरा नेदरराइट इंगेट चाहिए, उसके बाद नीचे वाली के लिए हम लोगों को पूरा का पूरा डायमंड चाहिए होगा, उसके नीचे वाली को हम लोग एमरल्ड करने वाले, और सबसे नीचे वाले को हम लोग गोल्ड करने वाले, क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा ईजी है हमारे लिए, क्योंकि हमारा ऑलरेडी फार्म में काफ़ी सारा पड़ा था जो कि मैं लेके आ चुका हूँ, लाइक एक स्टैक और 11 ब्लॉक ऑफ गोल्ड हमें मिल गया है। तो देखो नीचे तो पूरा का पूरा गोल्ड लगा देंगे हम लोग, उसमें नो इश्यूज। इस वाले में हम लोग एमरल्ड करना, एमरल्ड जमा करना आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू होना चाहिए। यहाँ पर डायमंड लगेंगे। अब डायमंड कितने चाहिए देखो, 5 5 25 25 माइनस 9 25 माइनस 9 कितना होता है तुम्हारा, 13 15 15, ठीक है 15 ही होता ना, हाँ 20 नहीं अरे 15 की 16 होगा ना, माय बैड 16 होगा। तो हम लोगों को 16 ब्लॉक ऑफ डायमंड चाहिए। 16 ब्लॉक ऑफ डायमंड इज इक्वल्स टू कितना, क्या कहते हैं 16 इंटू 9 कर लेंगे, 9 6 36, उसके बाद 90 126। लेकिन सच्ची बताऊँ तो ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला जितना सुनने में लग रहा है। मेरे को नींद आ रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घंटों से ग्राइंड कर रहा हूँ, खास करके फॉर द नेदर राइट। हम लोगों ने लिटरली कितने घंटे लगा दिए मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है एट दिस मोमेंट। बहुत जोर की नींद आ रही है मेरे को, पर लगे पड़े भाई, ठीक है।
चलो मैं अभी के लिए क्या करने वाला हूँ, मैं ये वाला डायमंड यहाँ से निकाल रहा हूँ। तीन ब्लॉक तो हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं यहाँ पर इसकी जगह पे गोल्ड लगा रहा हूँ, जो कि पता नहीं आगे जाके मेरे को निकालना ही पड़ेगा। अभी के लिए ठीक ही लग रहा है, लाइक एमरल्ड भी लगा देंगे यहाँ पे, जो भी होगा जैसे भी होगा, बट अभी के लिए गोल्ड लगा दिया है। अब हम लोगों को तीन ब्लॉक ऑफ डायमंड हो चुके हैं, हम लोगों को चाहिए थे कितने, 16 राइट, हम लोगों को 16 चाहिए था, हम लोगों को तीन लगा दिए, 13 और चाहिए होंगे हम लोगों को। तो डायमंड लाना, जैसे 100 डायमंड भी लाना, डायमंड लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है अपने पास। ओ भाई इसको हटा दो, सिल्क टच वाली को। अपने पास फॉर्चून 3 वाला है, जिसमें हम लोगों को कभी कभार एक भी मिल जाता है, दो भी मिल जाता है, कभी कभार 5 की वेन मिल गई तो 15 डायमंड भी एक बार मिल जाता है। तो डायमंड लाना उतना मुश्किल नहीं होना था जितना मुश्किल हमारे पास क्या कहते इसको लाना था, क्या कहते उसे नेदरराइट को लाना था, जितना मुश्किल उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो चलो जब तक नेदरराइट सारा का सारा स्मेल्ट हो, वैसे स्मेल्ट हो भी चुका होगा अभी तक टू बी ऑनेस्ट। तो जितनी देर में हमारा नेदरराइट स्मेल्ट हो रहा है, यस, तो जल्दी से जाते हैं फटाफट से डायमंड लेके आते हैं जितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ कहीं से बनाते हैं एक नीचे जाने का, मेरे ख्याल से यहाँ को मैंने ज़्यादा वो नहीं करा है, माइन नहीं करा इस साइड को। तो चलो चलते हैं गाइस, मिलते हैं तुम लोगों से थोड़ी देर में ढेर सारे डायमंड लेके। ठीक है, एक तरह से 1.2 है तो इसमें तो पूरा ही। ओ भाई साहब, ये मरने वाले काम नहीं है, मतलब मैं किससे बोल रहा हूँ, खुद ही काम कर रहा हूँ फिर खुद ही बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, तो चलो गाइस चलते हैं फटाफट से, लास्ट चीज करनी बाकी है। मैं आ चुका हूँ डायमंड लेके, अब हमें बस रुको जरा इसमें से ना इसमें एक मिनट, मेरे पास 9 डायमंड और पड़े थे, मैंने इनके ब्लॉक क्यों नहीं बनाया, व्हाट है। चलो इसमें से हम लोगों को जितना ज़्यादा हो सकता है, यार वाइट वूल आया ही नहीं है इसके अंदर, इसमें कुछ तो हो रखा है, मेरे को देखना पड़ेगा इनका ना, ये आई थिंक काम नहीं कर रहा है अच्छे से, है ना, मेरे को ऐसे ही लग रहा है। रुको जरा एक बार देखता हूँ इसका एक शेयर, नहीं काम तो कर रहे हैं यार सारे शेयर लोग, तब से ही काम कर रहा है ये, तब से पता नहीं क्या इशू हो रहा था, कुछ तो इशू हो रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया। बट अब देखना, अगर कोई बकरी घास खा ले, इसके भी बाल काट देते हम, कोई बकरी घास खा ले ना अपने बाल उगाने के लिए, हमें ओए किसी ने, वो देखो आवाज़ आई शेर की, किसी ने तो खाया, अब किसने खाया वो नहीं पता मेरे को, बट अब ये काम करने लग गया, नाइस है यार ये देखो अब ये काम कर रहा है ना, देखा आया अपना मजेंटा पूल। ठीक है, 5 ही वाइट पूल है अपने पास, वाइट पूल और ज़्यादा नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर उसमें होगा मेरे जो एक वो पड़ा हुआ था, क्या कहते यार मैं नाम ही भूल गया उसका, जो यार इसको क्या बोलते हैं, जो मेरे पास एक शुल्कर बॉक्स पड़ा हुआ था ना, जिसके अंदर मैंने वो सब, अरे वो इसी के अंदर तो है, लॉल यार। अब तुम सोच रहे हो भाई मैं भूल के लिए क्यों मर रहा हूँ, तो बेसिकली हम लोगों का अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारी एमराल्ड होने वाले हैं, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है भाई, तू ठीक ही जा भाई, तू रहन दे यार, किसी काम का ही नहीं है भाई तू तो, जी भाई यार। चलो अभी अपने पास सारी चीज़ें हो चुकी है, अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए होगी, जो कि है हमारे एमराल्ड। ठीक है, एमराल्ड से हम लोगों को 7x7 49 -25 24 हम लोगों को चाहिए होंगे, जिसमें से हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि मैंने पहले जमा कर लिया था अगर तुम्हें याद होगा। तो हम लोगों को 24 चाहिए हम लोगों के पास, लाइक 24 चाहिए हम लोगों को, 24 में से 15 और चाहिए हम लोगों को, 9 अपने पास हो चुके ऑलरेडी। तो हम लोग आयरन वायरन ला के, थोड़ा वो पेपर ला के इन लोगों से ट्रेड करते हैं और फटाफट से इनसे सारे एमराल्ड्स निकलवाते हैं जल्दी जल्दी, और हम लोगों को ढेर सारा भी नेदरराइट भी बनाना है, बट वो सब सो के उठ के करते हैं और उसके बाद बनाते हैं अपने बीकन को एकदम नेक्स्ट लेवल। तुम देखो भाई इतना मस्त लगेगा ना, लेट्स गो बॉयज। चलो तब तक एक चीज़ कर लेते हैं यहाँ से ना, रुको सबसे पहले तो इसके अंदर अपना सारा ये डालता हूँ सामान। ठीक है, इसको छोड़ के ये नहीं एमराल्ड भी दे दो, ये भी दे दो। ठीक है, जितना भी सामान हम लोगों को नहीं चाहिए वो सारा यहाँ पे छोड़ देते हैं बीकले। ठीक है, देर वी गो, इन सब चीज़ों की तो जरूरत नहीं। एक तो ये भाई जलते रहता ना, आवाज़ ऐसी अजीब सी आती ना, जितना नेदरराइट स्क्रैप है सारा का सारा निकाल लेते हैं और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं अपने नेदरराइट इंगेट्स को, और फिर इवेंचुअली हमारे नेदरराइट के बीकन को, बीकन नहीं मतलब नेदरराइट का अपना ब्लॉक। मेरे को किस लेवल की नींद आ रही है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, मैं कितने घंटों से लगातार खेल रहा हूँ एट दिस मोमेंट, पता है मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो झूठ भी नहीं बोलूँगा भाई, बहुत ही कैसे बोले यार, बहुत ही अलग सा ही हो रहा है, अजीब सा हो रहा है थोड़ा सा, बट ठीक है भाई। इतने दिन मैंने 2 दिन ऑलमोस्ट वीडियो भी नहीं डाली है, तो उसके लिए तो मैं भाई आई एम सॉरी यार गाइस। ठीक है,
मेरे को पता है तुम लोग वेट करते हो यार, ठीक है, सभी लोग वेट करते हैं भाई, मेरे को भी बहुत ज़्यादा मन करता है, पर कभी कभार थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर ना यार, बट कोई नहीं, देर वी गो, चलो बस हो गया, अरे भाई साहब और चाहिए, चलो अपने पास आ चुका है इतना सारा नेदरराइट का इंगेट, जिससे हम लोग बना लेंगे ये सात भाई ऐसा, अच्छा और है ना यार, मेरे को डराओ मत यार भाई, इससे भी हम लोग बना लेंगे, देर वी गो, कितना हो गया 8, एक और चार और चाहिए, मुझे लग नहीं रहा है 4 3 12, हाँ नहीं बनेगा, आई थिंक वो सेंटर वाला हमें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं आ रही कि मैं जाके दोबारा से, कितने दो और इंगेट चाहिए, मतलब कि 8 और स्क्रैप चाहिए, मतलब कि हमारे पास 3 है, 5 और स्क्रैप चाहिए होगा भाई, 5 स्क्रैप से रह गए, जी जी यार 5 स्क्रैप ब्रो, सीरियसली यार 5 स्क्रैप से रह गए यार, छी यार छी भाई, 5 स्क्रैप सीरियसली ब्रो, 5 स्क्रैप के लिए इतना रोना हो गया, जी जी यार, चलो कोई नहीं, अभी के लिए तो इसी को लगा रहा हूँ मैं, ऐसी बाद में मैं देखता हूँ, अगर होगा तो आज ही लेके आ जाऊँगा, वरना देखते जैसे भी होगा, ठीक है चलो पहले सो लेते, फिर हम लोग सीधे जाके पहले चीज़ें चेंज करते हैं, ठीक है, नहीं एक्चुअली हम लोगों को, माय बैड, अभी हम लोगों को एमरल्ड चाहिए ना, पहले एमरल्ड जमा करते हैं और उसके बाद सारी चीज़ों को चेंज करते हैं, चलो बस एक लास्ट ट्रेड ये मेरे से आयरन की कर लें तो अपना काम बन जाएगा, बस आ जाओ सारे के सारे आ जाओ, जितने भी आयरन वाले हैं भाई, चलो इसका भी रिफ्रेश हो गया, देयर वी गो गाइस, दैट इज ऑल डन, बस अपने पास 27 हो चुके हैं, हम लोगों को खाली 24 ही चाहिए थे, सो लेट्स गो, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, मेरे को इसको एकदम परफेक्ट जगह पे बनाना है, तो जो मैंने सोचा हुआ है परफेक्ट जगह के हिसाब से ना, यहाँ से एंट्री है, ठीक है, तो मैं 2 बनाऊंगा ऐसे बीकन, बाद में फ्यूचर में हम लोग एक और बनाएंगे, और ये अभी के लिए ये वाली एंट्री पूरी ब्लॉक कर रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा अंदर को खिसकाएंगे परफेक्टली एग्जैक्टली एकदम, ठीक है इधर पे, ठीक है चलो अभी फटाफट से, जब तक बीकन चल ही रहा है तो मैं इसको पूरा का पूरा तोड़ता हूँ और यहाँ से वहाँ खिसकाता हूँ, तो मेरे को 2 मिनट दो, मैं यूँ गया और यूँ आया, गाइस हम लोगों ने इसको पूरा का पूरा तोड़ दिया है, और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बाई 9 का ये एरिया बन चुका है, तो हम लोग को सबसे पहले ये एरिया हटाते ही यहाँ पर भी गोल्ड लगाना पड़ेगा, अब देखो जो मैंने दिमाग लगाया हुआ था, ठीक है इसको हम लोग गारंटीड बाद में और ज़्यादा सही करेंगे, लेकिन गोल्ड तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि हम लोगों को बस AFK बैठना है वहाँ पे, ठीक है ये हो गया, अब हम लोगों को अंदर वाली साइड पे, इसके अंदर जो है ना इसको पूरा का पूरा आयरन से भर देना है, ठीक है There we go, बस इसको पूरा का पूरा अंदर से, मतलब समझ रहे हो, ऐसा पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि इसके अंदर आयरन भरा हुआ है, बट ठीक है, मतलब अभी के लिए आयरन है इसके अंदर, ठीक है ये हो गया, उसके बाद एक्चुअली मेरे को इसको पूरा ही तोड़ देना चाहिए, थोड़ा सा बचाने के चक्कर में ये कुछ नहीं बचा भाई, अब यहाँ पर आएगा एमरल्ड, ठीक है तो यहाँ पर एमरल्ड चाहिए होगा हम लोगों को, देर वी गो, आई होप इतने से काम हो जाए अपना, बाहर ही बाहर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन बनानी है एमरल्ड की, समझ रहे हो, देर वी गो, आई होप ये काम भी करे, जहाँ तक मुझे पता है बीकन काम करना चाहिए, लाइक तुम लोग कोई भी अलग अलग ब्लॉक लगा, जबरदस्ती नहीं है कि तुमने ये 7x7 बनाया तो पूरा आयरन होना ही चाहिए, नहीं तुम्हें जैसा बनाना है तुम बनाओ, बस सारे ओर होने चाहिए, या तो फिर आयरन, या तो फिर गोल्ड, या फिर एमरल्ड, या फिर डायमंड, या फिर नेदरराइट, ठीक है नेदरराइट तो थोड़ा मुश्किल ही होगा, बट फिर भी देर वी गो, अब हम लोगों को इसके बाहर वाले पे लगाना है डायमंड, ठीक है ये हमारा 5x5 वाली लेन आ गई, जिसमें हम लोगों को पूरा का पूरा डायमंड आ जाएगा, देयर वी गो, इसको फिर से सेंटर में हम लोग उसी से भर देंगे, और अब हम लोगों का आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मो, भाई आवाज़ सुनो इसकी यार भाई, क्या धम 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 ऐसी आवाज़ आ रही है, देयर वी गो, ये पूरे का पूरा हमारा, देखो बीकन कायदे से अगर कोई साइड से देखा उसको पता भी नहीं चलेगा ब्रो कि ये कैसा बीकन है, क्या लगा है क्या नहीं है, अगर कोई साइड से देखेगा तो वो कहेगा चिल ब्रो अच्छा बीकन है यार, उसको क्या पता भाई कि अंदर आयरन ही आयरन ठूस रखा है, चलो एक डायमंड का ब्लॉक बच गया, तो मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए यहाँ पर डायमंड का ब्लॉक लगाते हैं, दिखने का कूल लगेगा एटलीस्ट, और ये लग गया हमारा बीकन, ठीक है ये हो गया स्टार्ट, अभी हम लोगों को ना एक और बीकन बनाएंगे जो इस साइड से चिपका हुआ होगा, तो वो दिखने का बहुत ज़्यादा मस्त लगेगा, लाइक कलर वलर आ रहे हैं ना वो सब बहुत ज़्यादा कूल लगेगा, और
हाँ ये काम तो बढ़िया ही करेगा ना आई गेस। इस वाले से हम लोग एक काम करते हैं, इस वाले से हम लोग स्पीड लेते हैं ठीक है। अच्छा मेरे पास एमरल्ड पड़े तो थे, मैं सोच रहा हूँ वो आयरन निकालने का। देर वी गो स्पीड, ठीक है स्पीड और रीजन ले ले या फिर टू टाइम स्पीड ले। ये देखो नहीं एक्चुअली यार ये स्पीड टू में ना ये दिखने का बड़ा गंदा सा लगता है यार, ये एफ ओ वी ना मेरे को यार मतलब मज़ा नहीं आता इसको देखने में ऐसे। ठीक है स्पीड और रीजन लेते हैं ठीक है। तो देखो अब स्पीड नॉर्मल है, फास्ट है, बट स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा एफ ओ वी नहीं बढ़ा दे रही, खींच नहीं जा रही है, स्ट्रेच नहीं हो रही है, थोड़ी सिंपल ही है ऑलमोस्ट। और उसके साथ साथ अब हम लोगों को रीजन भी मिल रहा है, देखो रीजन भी मिल रहा है, स्पीड भी मिल रही है, तो दोनों चीज़ें मिल रही है हम लोगों को अब मस्त करके यहाँ पे। एक मिनट स्पीड बंद हो गई, नहीं आ रही आ रही, ओके ओके थोड़ा यार रीजन बहुत देर तक मिल रहा है, स्पीड कम मिल रही है, या फिर एक मिनट रुको ज़्यादा दूर जा रहा हूँ तो स्पीड गायब हो जा रही है क्या? नहीं पता नहीं क्या हुआ, फिर अभी अभी स्पीड गायब होगी, रीजन था। चलो ये हो गया हम लोगों का पूरा बीकन तैयार, यहीं पे सेम बगल में हम लोग एक और बीकन बनाएंगे। बट मेरे को एक और मन कर रहा है, अभी अभी जस्ट इंडिपेंडेंस डे गया राइट यार, ये बीकन की लाइट का कुछ करते हैं, पता है ये बीकन की लाइट को कुछ ऐसा क्या कहते हैं उसे, इंडिया के फ्लैग जैसा बनाते हैं ठीक है। देखा वो भी कह रहा है हाँ। तो गाइस मैं तीनों कलर के क्या कहते हैं से लाइट्स लेके आ चुका हूँ, सो लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग ग्रीन लगाएंगे, तो हम लोगों को देखो मैं सोच रहा हूँ कि हर एक छः छः ब्लॉक के उस पर लगा लेते, तो 1 2 3 4 5 6 फिर अपना वाइट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 फिर अपना ऑरेंज आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 ठीक है। सो लेट्स गो लेट्स चेक, एक मेरे पास इलाइट्रा भी पड़ी है ना, ये देखो कितना कूल लग रहा है ब्रो, लेजिट इंडिया के फ्लैग जैसा लग रहा है। उसके बाद हम लोगों को एक बस वाइट लगाना पड़ेगा ताकि उसके बाद कट जाए, मतलब ऐसा लगे कि। एक मिनट रुको मेरे पास और बढ़िया आइडिया, रुको मैं इसको पूरा करके मिलता हूँ तुम लोगों को दो मिनट में। गाइस फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है आई थिंक, अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है पहले से ठीक है। ये नीचे वाला ग्रे एरिया थोड़ा सा पोल जैसा बना दिया मैंने, फिर उसके बाद मैंने एकदम ही 16-16 हाइट के खींच के, 16 नहीं नीचे वाले दो 12 है फिर ऊपर 16 क्योंकि नीचे से देखने में छोटा लगता है, तो इसलिए अब देखो ये फ्लैग प्रॉपरली लग रहा है एकदम, मतलब ऐसा फ्लैग वाली फील नहीं आ रही, बीकन आसमान में जा रहा है बट ये पूरा प्रॉपर ऐसा लग रहा है, ऐसे कोई समझ लो इंडिया का ट्राई कलर तिरंगा है बिल्कुल प्रॉपर यार, अपना सैफ्रॉन है फिर वाइट है फिर उसके साथ साथ ग्रीन भी है, तो तीनों कलर्स मस्त करके एकदम। तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में ये बीकन तुम लोगों को कैसा लग रहा है, हम लोग इसको फ्यूचर में गारंटीड फुल्ली मैक्स करेंगे, कहने का मतलब है कि इसको पूरा नेदरराइट का करने की ट्राई करेंगे। बट यस हम लोग इसको सेम टू सेम उधर भी कॉपी करेंगे, कहने का मतलब है कि ऐसी हम लोग एकदम मस्त सा यहाँ पर भी बनाएंगे, या फिर इससे भी हम लोग कुछ नेक्स्ट लेवल करेंगे, वो तो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा बाद में। कि अपने पास अभी बीकन भी कम है, कहने का मतलब अपने पास अभी एक ही बीकन पड़ा हुआ है, हम लोगों को थोड़े बहुत और विदर स्केलेटन्स कर लेके आने पड़ेंगे, खैर उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों को पता है अपने पास विदर स्केलेटन का प्रॉपर वो भी पड़ा हुआ है, फार्म भी पड़ा हुआ है, तो उसकी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस विदर मारने पड़ेंगे दैट्स ऑल। बाकी ये बताओ कमेंट सेक्शन में ये बीकन तुम्हें मस्त लग रहा है या नहीं लग रहा है, भाई इसमें हालत टाइट होगी मेरी करते करते, बट काम तो बढ़िया हुआ है, कैसे मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है। तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में तुम लोगों को कैसा लग रहा है।